नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नदवा कॉलेज में उपद्रव को हवा देने के आरोप में AIMIM कार्यकर्ता अजीजुर रहमान, जबकि हसनगंज पुलिस ने घंटाघर पर हुए हंगामे में मोहम्मद सऊद कुरैशी, मोहम्मद फैजी अहमद, मोहम्मद अहमद और अरशद मोहसिन को गिरफ्तार किया है। सभी प्रदर्शन और पत्थरबाजी करते हुए CCTV की फुटेज में नजर आए थे। दरअसल कैब के खिलाफ आंदोलन कर रहे दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हुई पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित लखनऊ के नदवा कॉलेज और इंटीग्रल विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को खूब हंगामा किया था। सबसे ज्यादा नदवा में माहौल गर्म रहा। यहां कुछ अराजक तत्वों ने भी छात्रों की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, नारेबाजी और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को विश्वविद्यालय में खदेड़ दिया था। वहीं 5 जनवरी तक नदवा कॉलेज प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा कर दी है, जबकि इंटीग्रल विश्वविद्यालय 18 जनवरी तक बंद रहेगा। न्यूज डेस्क।